नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या सेकंड में इनडेफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं, उदासीनता वक्र की विभिन्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे उदासीनता वक्रों द्वारा उपभोक्ता संतुलन। जैसा कि हम उपभोक्ता का जब संतुलन करते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो सर्वप्रथम अपने पास बजट होना बहुत आवश्यक है, तभी संतुलन हम कर पाते हैं। माना कि इसी प्रकार से हम उपभोक्ता संतुलन भी एक बजट लाइन या बजट रेखा के द्वारा किया जा सकता है। बजट रेखा या बजट क्या होती है, जो कि व्यक्तिगत या व्यवहारिक जीवन में हम बात करें, अपने बजट से ज़्यादा अगर अपना खर्चा होगा तो अपना संतुलन बिगड़ेगा, अगर बजट से कम अपना खर्चा होगा तो अपना संतुलन सही रहेगा, और बजट जितना है उतना ही खर्चा हो जाएगा तो अपना संतुलन बराबर रहेगा। तो इसी क्रम में हम पहले कुल व्यय या बजट रेखा के बारे में चर्चा करें कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा एक निर्धारित मांगी गई वस्तु की मात्रा को क्रय करने पर जो चुकाया गया श्रम, जो चुकाई गई जो राशि है, उस वो ही अपनी बजट रेखा कहलाती है। इसे हम उदासीनता वक्र विश्लेषण में बजट रेखा एक महत्वपूर्ण धारणा है। इसे अनेक नामों से भी हम जानते हैं, जिसे मूल्य रेखा, व्यय रेखा, उपभोग संभावना रेखा, मूल्य आय रेखा आदि के नाम से जानते भी हैं। वस्तुओं या मूल्य की उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा ही बजट रेखा या मूल्य रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार जो भी अक्ष और वाई वस्तु को हम जब क्रय करते हैं तो उसे मुद्रा के रूप में हम क्रियान्वित करते हैं, तो किस प्रकार से उसको हम करें तो उसका वो निर्धारित बजट रेखा, बजट लाइन होती है। तो बजट रेखा में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसे बढ़ोतरी कमी करेंगे तो उसके आधार पर भी हम इसका क्रियान्वयन संतुलन कर पाते हैं। अब हम बात करें उदासीनता वक्रों की सहायता से जो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आपको भी मालूम है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तभी माना जाता है जब अपनी समस्त आय के प्रयोग से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता हो। इस स्थिति में किसी भी परिवर्तन से उसकी कुल संतुष्टि कम हो जाए। मार्शल की उपयोगिता के अनुसार इस प्रकार से इसको संतुलन की स्थिति में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उपयोगिता विश्लेषण में, MUX बटे PX बराबर MUY बराबर PY बटा MUZ बटा PZ। तो ये संतुलन मैंने बताया था MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY बराबर MUZ बटा PZ। इसके आधार पे उपभोक्ता अपना संतुलन कर पाता है। तो उपभोक्ता मांग, इसमें उदासीनता वक्र के विश्लेषण के द्वारा जब उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति की हम बात करें तो इसकी मान्यताओं पर यह निर्भर है, जिसमें पहली है उपभोक्ता के पास व्यय की जाने वाली मुद्रा या आय की मात्रा निश्चित व सीमित है। उपभोक्ता को अपने उदासीनता मानचित्र की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता को अपने मानसिक उदासीनता वक्र की पूर्ण जानकारी होने के साथ साथ उपभोक्ता की सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य उसे ज्ञात होना चाहिए। सभी वस्तुएं समान समूह के रूप में विभाज्य हो। उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता हो। उपभोक्ता को पूर्ण प्रतियोगिता हो या बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, सॉरी, उपभोक्ता के चुनाव पर कोई नियंत्रण नहीं हो। तो इस प्रकार हम तीन शर्तों के आधार पर उपभोक्ता की संतुलन करेंगे, जिसमें पहली हम देखेंगे किस प्रकार से सामने किया जाता है। जब संतुलन बिंदु पर बजट रेखा या मूल्य रेखा, व्यय रेखा या उपभोग संभावना रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करें, एक संतुलन की स्थिति यह होगी। दूसरी, जब संतुलन बिंदु पर बजट रेखा या उदासीनता रेखा का ढाल समान होना चाहिए।
तीसरी हम संतुलन देखेंगे, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नत दर हो या उसकी प्रतिस्थापन दर घटती हुई हो, तभी हम संतुलन की स्थिति देख पाएंगे। जब उपभोक्ता संतुलन की जब हम व्याख्या करें, तो जब इसमें मैंने जैसे आपको बताया इसकी मान्यताओं में कि प्रत्येक वस्तु की सभी इकाएँ समरूप विभाज्य होनी चाहिए, उपभोक्ता की आदतों फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता को दिया गया उदासीनता मानचित्र दो वस्तु विभिन्न सेवों को पसंदगी पर क्रम होना चाहिए और व्यय करने के लिए निश्चित मौद्रिक आय होनी चाहिए। इस प्रकार से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम संतुलन की व्याख्या करें, जब किस प्रकार से उपभोक्ता अपने आसानी से संतुलन कर पाता है, तो इसकी तीन शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या, उपभोक्ता का जब संतुलन हो तो मैंने जैसे आपको बताया एम यू एक्स ये इस प्रकार आ गया, ये एक्स वस्तु आ गई, ये वाई वस्तु आ गई, ये अपनी क्या आ गई बजट लाइन। बजट लाइन जब अपनी ये स्पर्श होती, यहाँ पर अपना उपभोक्ता का साम्य बिंदु माना जाता है, इस बिंदु पर अपना इंडिफिनेंट कर्व अगर टकराता है तो वो इक्विलिब्रियम या साम्य स्थिति में दर्शाता है और यहाँ पर अपना संतुलन स्थिति नहीं है, स्थिति संतुलन में नहीं मानी जाती है। इंडेफिनेट कर्व इनके बाहर भी अगर होते हैं तो भी साम्य स्थिति में नहीं आ पाते हैं। तो हम बात करें इसके उपभोक्ता संतुलन की, तो इसकी तीन संतुलन बताई मैंने आपके। एक संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, पहली शर्त है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढाल समान होना चाहिए, तीसरी शर्त है अंतिम शर्त संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो या प्रतिस्थापन की दर प्रतिस्थापन की सीमान दर घटती हुई हो। ये इस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किया जा सकता है, जिसे मैंने आपको बताया पहले में संतुलन बिंदु की बजट रेखा उदासीनता वक्र पर स्पर्श करें तब संतुलन माना जाता है। तो इस प्रकार से हम तीनों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। पहले डायग्राम की हम बात करें, जब संतुलन बिंदु बजट रेखा उदासीनता वक्र पर स्पर्श करे तो वो किस आधार किस प्रकार से करे, तो इसका डायग्राम जैसे इसको अपन यहाँ समझे वाई ओक्षीय बजट रेखा है, तो बजट रेखा पर स्पर्श करे तो वो इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी, बाहर है तो वो संतुलन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि जब बजट रेखा पर ही स्पर्श करेगा तो अपने संतुलन स्थिति में माना जाएगा। जैसा कि मानचित्र में बताया गया है इसमें कि बजट रेखा पर ही उदासीनता वक्र स्पर्श करे, क्योंकि उपभोक्ता के संतुलन को उपभोक्ता मानचित्र बजट रेखा दोनों का एक साथ लाना होता है, क्योंकि उदासीनता मानचित्र पे
दो वस्तु विभिन्न संयोगों को उपभोक्ता की पसंदगी का क्रम प्रदर्शित करता है, क्योंकि बजट व मूल्य रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जो उपभोक्ता अपनी दी गई निश्चित आय या दो वस्तुओं में दिए गए निश्चित मूल्यों के रूप में क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार बजट रेखा एक साथ रखने पर उदासीनता वक्र पर स्पर्श करता है, वहीं संतुलन होता है, क्योंकि अधिकतम संतुष्टि करने के लिए अधिकतम उदासीनता वक्र पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार दूसरा है उपभोक्ता संतुलन बिंदु, जो है उपभोक्ता संतुलन बिंदु का वक्र ढाल वर्ग कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ढाल वर्ग किस प्रकार से समान, बजट रेखा का ढाल है अक्ष वस्तु का मूल्य, अक्ष वस्तु का मूल्य डिवाइड वाई वस्तु का मूल्य बजट रेखा पर। किस प्रकार से, ये अक्ष वस्तु और वाई वस्तु का ये ढाल मूल्य हो गया, क्योंकि ढाल समान रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ढाल है ये क्या होना चाहिए, बजट रेखा पर समान रूप से होना चाहिए, ऐसा नहीं इसका ढाल क्या हो इस प्रकार से हो, ये मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम बात करें, जैसा कि रेखा चित्र मैंने आपको बताया है कि इसके विपरीत दो मध्य प्रतिस्थापन सीमांतर को बतलाता है, क्यू एम आर एक्स वाई बचा डेल्टा वाई बचा डेल्टा एक्स, को उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उसी बिंदु पर प्राप्त होती है जब दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की दर या दोनों वस्तुओं के मूल्यों में अनुपात समान हो, अर्थात उदासीनता वक्र या ढाल दोनों समान हो, तो उपभोक्ता की साम्य स्थिति में होगी। तीसरा मैंने आपको बताया, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के क्या हो, उन्नतोदर हो या प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। तो वो कैसे, क्योंकि उपभोक्ता की जब संतुलन बिंदु केवल बजट रेखा की ढाल या उदासीनता वक्र की ढाल का समान होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता की स्थायी साम्य के लिए ये भी आवश्यक है कि उपभोक्ता बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो या अक्ष वस्तु की वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो, घटती हुई हो। तो इस प्रकार रेखाचित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जाए, संतुष्टि में उन्नतोदर प्रतिस्थापन घटती किस प्रकार से हो। तो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं डायग्राम्स के द्वारा, तीसरे बिंदु का अक्ष वस्तु का वाई वस्तु का। तो यहाँ पर ये अपनी बजट लाइन है, मूल बिंदु के उन्नतोदर हो तो ये अपने इसके जो मूल बिंदु हैं, तो मूल बिंदु के क्या होगा, उन्नतोदर होगा, तो मूल बिंदु के उन्नतोदर ये माना जाएगा। तो तभी है सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी क्या हो, घटती हो, ये होते हैं मूल बिंदु। तो अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर जब होगा तभी संतुलन की स्थिति में रह पाएंगे। तो इस प्रकार से आईसी वक्र अधिक ऊंचे स्थित होंगे तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से भी उपभोक्ता के संतुलन में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हम कर सकते हैं आय प्रभाव में परिवर्तन करके। जब इनकम जब प्रभावित होगी तो बजट रेखा भी प्रभावित होगी। तो आय प्रभाव के आधार पर भी हम परिवर्तनों को संतुलन की स्थिति में देख सकते हैं। आय प्रभाव के द्वारा भी अनेक प्रकार के अपने पास रिजल्ट्स निकल के आएंगे। गिफिन वस्तुओं के आधार पर भी देख सकते हैं, कीमत प्रभाव या मूल्य प्रभाव के परिवर्तन के द्वारा भी उपभोक्ता के संतुलन को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र विधि का भी हम प्रयोग देखें तो एक उपभोक्ता के संतुलन या उत्पादक का संतुलन के लिए, एक विनिमय क्षेत्र के प्रयोग के लिए, एक राशनिंग के प्रयोग के लिए, एक राजस्व के लिए, सूचकांकों के लिए भी काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम आज इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि उदासीनता वक्रों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, एक उदासीनता वक्र किस प्रकार से उपभोक्ता का साम्य कर सकता है। तो हम अगले वीडियो में आपके लिए इसी क्रम में लेके आएंगे, क्योंकि ये अपना एक क्रमवाचक दृष्टिकोण था कि मांग क्या है और मांग का नियम क्या है, जिसमें मांग
कितने प्रकार की होती है और मांग तालिका क्या है, मांग रेखा किसे कहते हैं, मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।